व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल चाल है? होप सारे सारे ठीक ही होंगे यार। तो अगर आपको भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना है तो सिंपली सा गाइस, आपको कुछ नहीं, सिंपली सा आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सिंपली से गाइस, आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है यार। अगर आपको बी वाला काइन मास्टर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा लिंक, सभी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सिंपली से गाइस, आपको यहां पे क्रिएट एनिमी पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको 19:16 कर ले लेना है। इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस नीचे के साइड आना है। आने के बाद आपको यहाँ से 4.5 सेकंड कर लेना है कुछ इस तरीके से, और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। और यहाँ से आपको ले लेना वाइट कलर का बैकग्राउंड। तो यहाँ से बैकग्राउंड लेने के बाद आपको सिंपली से जितनी बड़ी आप वीडियो बनाना चाहते हो उतनी बड़ा आप टाइम ड्यूरेशन रख लीजिए। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस यहाँ पे अपना कोई सा भी एक आइडियो सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपली से गाइस मेरे पास एक वीडियो, मैं उसका आइडियो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली से गाइस, आप यहाँ से अगर आपके पास कोई वीडियो है इसका सॉन्ग आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो आइडियो में, तो यहाँ से आप टाइप करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आइडियो में। तो सिंपली गाइस यहाँ से इस पर टाइप कर देंगे और वीडियो को डिलीट कर देंगे। इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो रहेगा, आप डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली गाइस इस पर टाइप करना है कैची के बगल वाले पे। इस पर टैप करने के बाद आपको सिंपली से फुल कर देना है इस तरीके से। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस लेयर पे दोबारा से टैप करना है। टैप करने के बाद आपको कुछ फ़ोटो, कुछ इमेजेस को लगा लीजिएगा, जो इमेजेस आप लगाना चाहते हो, जो कोई सभी आप फ़ोटो लगाना चाहते हो। तो सिंपली से गाइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस दोबारा से कैची वाले के बगल में इस पर टैप करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस तरीके से। तो इतना होने के बाद आपको दोबारा से इमेज पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आ गया है, तो इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली सा स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का बन जाएगा। और इतना होने के बाद आप जितनी भी इमेजेस लगाना चाहते हो उतना लगा सकते हो। तो सिंपली से इस तरीके से मैं थोड़ा सा जितनी इमेजेस को लगाना चाहता हूँ उतना लगा लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, मैंने अपना वीडियो में सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसा कि पहला इमेज मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से अब जितनी बड़ी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उतनी बड़ी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ ये सबको। और यहाँ से हो गया इतना। इतना होने के बाद आपको सिंपली गाइस लेयर वाले ऑप्शन पर दोबारा से टैप कर देना है। और ये वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वाला लगा लीजिएगा। तो सिंपली गाइस ये वाला आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का रहेगा। और इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कैची बगल वाला इस पर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको इसको भी फुल स्क्रीन कर लेना। करने के बाद आपको सिंपली से गाइस यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना। टैप करने के बाद आपको इसको स्क्रीन कर लेना इस तरीके से। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस यहाँ पे टैप करना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया में चले जाना है। दोबारा से एक और इमेज आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इतना होने के बाद आपको ये वाला टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको सिंपली से गाइस इसको नीचे के साइड आना, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना और मल्टीप्लाई कर देना। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस इसे पूरे वीडियो में लास्ट तक कर लीजिए इस तरीके से। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से गाइस इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना होने के बाद आपको सिंपली से राइट पर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर आपका वीडियो बन गया है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला बटन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे क्वालिटी हाई लो कर सकते हो, और यहाँ से कोई सी भी क्वालिटी में आप वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सिंपली से यहाँ से वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ। अभी भी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं बना कर लेकर आता रहता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।